हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको यूट्यूब के द्वारा टैली का कोर्स करा रहा हूं, और टैली के कोर्स में आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बताने वाला हूं, जिसको आपको पूरा ध्यान लगा करके देखना है और पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। और यदि आप टैली सीखना चाहते हैं और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। तो आज का मैं टॉपिक आपको ये बताता हूँ कि टॉपिक क्या है आज का मेरा टैली में। इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि टैली में कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर कैसे लगाया जाता है, इनका यूज क्या होता है, कौन से बाउचर में इनको उपयोग किया जाता है या कौन से बाउचर में इनको यूज किया जाता है, ठीक, और इनको यूज करने के लिए कौन सी सेटिंग ऑन करना है, कौन सी सेटिंग ऑफ करना है, वो सब मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो आते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना होगा गेटवे ऑफ टैली में कैस्ट कैटेगरी ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ज़्यादा क्या करना है, आपको टैली ओपन करना है। टैली ओपन करने के बाद आपको कंपनी सिलेक्ट करना है, जिस कंपनी में आप कॉस्ट कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर लगाना चाहते हैं उस कंपनी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कंपनी पहले से सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आपको कंपनी सिलेक्ट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आकर के ऑल्ट प्लस F3 बटन प्रेस करना है, और यहाँ से आपको जो कंपनी आपकी खुली हुई है उसको सर्च कंपनी से बंद कर देना है, और सेलेक्ट कंपनी में जा करके आपको जिस कंपनी में कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज करना है उस कंपनी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर कौन से ऑप्शन में मिलते हैं टैली में, तो आपको गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ओपन किया तो अपनी विंडो में यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर नहीं ओपन हो रहा, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फीचर एनेबल करना होगा, किसका, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का। इसके पहले मैं बता दूँ कि कॉस्ट कैटेगरी का यूज क्या होता है और कॉस्ट सेंटर का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कॉस्ट कैटेगरी का हिंदी नाम क्या होता है, लागत वर्ग। कॉस्ट मतलब लागत और कैटेगरी मतलब वर्ग होता है। तो कॉस्ट कैटेगरी का यूज हो जाएगा टैली में, कॉस्ट कैटेगरी का यूज कंपनी के खर्चों और आय को अलग अलग वर्गों में दिखाने के लिए कॉस्ट कैटेगरी का यूज किया जाता है। जैसे सैलरी, एक्सपेंस आदि को अलग अलग वर्गों में आपको दिखाना है तो कॉस्ट कैटेगरी का यूज करोगे। और कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर का यूज होता है कि आपकी जो कंपनी है, क्या है, कंपनी है, कंपनी में अलग अलग ब्रांचेस है ना, अलग अलग ब्रांच या अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी डिटेल को मेंटेन रखने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर का प्रयोग कंपनी में अलग अलग ब्रांच की डिटेल या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की डिटेल को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी कैसे इनेबल करोगे, तो आ जाते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आना है, पहले आपको कंपनी में चेक करना है कि आपका फीचर इनेबल है या डिसेबल। तो आपका फीचर यहाँ पे जैसे मेरे में क्या है, डिसेबल, तो ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, या कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर इनेबल करने के लिए आपको स्कैप बटन से पीछे जाना है और गेटवे ऑफ टैली में आकर के आपको F11 या F11 की प्रेस करना है, ठीक है। F11 की प्रेस करोगे तो आप कंपनी फीचर में पहुंच जाओगे। कंपनी फीचर में आपको यहाँ पर देखेगा अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर, स्टेटटरी एंड टैक्सेशन, एड ऑन फीचर, क्वाइट। तो आपको जाना है यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर पर। अकाउंटिंग फीचर में आपको इंटर करके भी
अंदर जा सकते हो इसमें, और F1 प्रेस भी करोगे तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग फीचर में पहुंच जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करके पहुंचता हूँ तो यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो को कहा जाता है कंपनी फीचर विंडो या अकाउंटिंग फीचर विंडो, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है ऑप्शन मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो आपको इस विंडो में देखना है, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन में मिलेगा कॉस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट वाले ऑप्शन में, ठीक है, मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ठीक। इस ऑप्शन को यहाँ पे आपको एनेबल करना है, क्या करना है, एनेबल या यस करना होता है, क्या करना होता है, यस। तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड के एंटर बटन से या एरो की से यहाँ तक आ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका दूसरा ऑप्शन है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो ये इसके पहले वाला ये ऑप्शन आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक। उसके नीचे वाला भी आपको यूज कॉस्ट सेंटर और जॉब पोस्टिंग वाला ऑप्शन क्या करना है, यस करना है, यस करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और यस करना है, मेंटेन मोर देन वन पेरोल एंड कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जस्ट इसके नीचे ही ऑप्शन है, इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे यस करना है, और एंटर करती हो आपको एक्सेप्ट करना है, या फिर आप कीबोर्ड की कंट्रोल प्लस ए बटन भी प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा सेव हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको एस्केप बटन से पीछे आना है, किसे, एस्केप बटन से पीछे आना है। जैसे आप एस्केप बटन से पीछे आओगे आपको यहाँ पे गेटवे और पहले में देखो पेरोल इन्फॉर्मेशन भी ओपन हो जाएगा, और आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में एंटर क्लिक करोगे तो लेजर के नीचे आपका कॉस्ट सेंटर आ जाएगा, क्या जाएगा, कॉस्ट सेंटर आ जाएगा। यहाँ से आप जैसे ही फीचर ऑन करोगे और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आओगे तो आपको यहाँ पे आपकी विंडो में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी आ जाता है। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए निम्न स्टेप फॉलो करना है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको भी वैसे ही स्टेप फॉलो करना है, ठीक। इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट कैटेगरी। सबसे पहले बात आती है कि आपको इन दो ऑप्शन में से क्रिएट कौन सा करना है, तो आपको पहले कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आकर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में एंटर करना है। इसके बाद आपको लेजर के नीचे तीसरा ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी, इसमें एंटर करना है। इसमें एक विंडो ओपन होगी इसकी कॉस्ट कैटेगरी की, पहला आ जाता है सिंगल कॉस्ट कैटेगरी, दूसरा जाता है आपका मल्टीपल कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में आपको सिंगल कॉस्ट कैटेगरी में क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन न्यू कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए होता है, डिस्प्ले देखने के लिए होता है जो आपने बनाया हुआ है कॉस्ट कैटेगरी उसको देखने के लिए, और अल्टर का यूज होता है कॉस्ट कैटेगरी को एडिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन की विंडो खुल जाएगी। नाम में आप कौन से खर्चे आप यहाँ पे को क्या मेंटेन करना चाहते, कौन सा वर्क, कौन सा लागत मेंटेन करना चाहते हैं कैटेगरी, मैंने बताया था आपको खर्चे और इनकम देना है। यहाँ पे क्या करना है, नाम में आपको क्या लिखना है, खर्चे। तो कॉस्ट कैटेगरी में जैसे आप दे सकते हो ब्रांच BRANCH, ठीक है, BRANCH ब्रांच, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी थ्योरी पढ़ाया था, आप वहां पर जाके ये और वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे टैली ERP 9 का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप टैली के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पे आपको क्रिएशन में क्या करना है, नाम में जैसे कॉस्ट कैटेगरी के नाम में क्या लिखना है आपको, ब्रांच, क्या लिखना है, ब्रांच,
और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप ब्रांच के किसी ब्रांच का इनकम और एक्सपेंस को मेंटेन करना चाहते तो आपको कॉस्ट कैटेगरी में ब्रांच लिखना होगा। जैसे आप डिपार्टमेंट में यदि मेंटेन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिपार्टमेंट। ठीक, और आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। फिर आ जाना है आपको पीछे, यहाँ पे देखने के लिए डिस्प्ले में जाकर के आप देख सकते हैं ये हमने कौन कौन से बनाए, यहाँ पे दो बनाए हैं, कौन से, एक ब्रांच बनाया और एक डिपार्टमेंट। फिर पीछे जाना है आपको, आ जाना है फिर कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका सिंगल कॉस्ट सेंटर और मल्टी कॉस्ट सेंटर ऑप्शन आ जाता है। तो आपको सिंगल कॉस्ट सेंटर में क्रिएट करना होगा। जैसे आप क्रिएट करोगे, कॉस्ट सेंटर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया ब्रांच है ना, कॉस्ट कैटेगरी हमने क्या किया था, ब्रांच लिखा था, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नाम में ब्रांच का नाम क्या है, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो आपकी एक अजय ट्रेडर्स, जैसे यहाँ पे मेरी कंपनी सेलेक्ट है तो अजय ट्रेडर्स की ब्रांच मान लो एक सागर में है, आप वहाँ का खर्चा मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सागर, ठीक, और एक्सेप्ट। ठीक, एक ब्रांच मेरी मान लो भोपाल में है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भोपाल, भोपाल, और एंटर करना है। ठीक, इस तरह से आपका क्या हो गया, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बन जाता है। अब कॉस्ट सेंटर बनाने के बाद आप क्या करते हो, इसका यूज कहाँ करना है, तो इसका यूज करना है आपको केवल ये दो बाउचर में यूज होगा। कौन कौन से बाउचर होंगे, वो आपके पेमेंट बाउचर है और रिसीव्ड बाउचर। तो आपको सीधा इसके बाद आ जाना है यूज करने के लिए पेमेंट बाउचर और रिसीव्ड बाउचर में। तो पीछे जाने के लिए स्कैप बटन का यूज करना है और आ जाना है आपको अकाउंटिंग बाउचर में। अकाउंटिंग बाउचर में आप जैसे इंटर करोगे आपको यहाँ पे कोई भी बाउचर ओपन हो जाएगा। तो पेमेंट बाउचर के लिए आपको कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पेमेंट बाउचर का बताया था कि कैसे आप इसकी एंट्री करोगे, वैसे ही करना है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी ब्रांच में पैसे दे रहा हूँ, मतलब आप की कंपनी का जो ओनर है वो किसी ब्रांच में क्या कर रहा है, पेमेंट दे रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओनर जो है कौन सी ब्रांच में पैसे दिया या सैलरी दिया, तो आप वहां पर बता सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सागर ब्रांच में 5,000 रुपए सैलरी दिया, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रांच देखो, आप ब्रांच की तो डिटेल नहीं दे सकते यहाँ पे क्योंकि सागर तो लिखोगे नहीं, तो आप किसकी लेजर बनाओगे, यहाँ पे सैलरी की बनाओगे, किसकी बनाओगे, सैलरी की। तो आपको एक सैलरी की लेजर बनाना होगा, सैलरी आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको इस तरह का, मैंने बोला बैंक से पेमेंट किया हुआ है तो बैंक में जाएंगे, बैंक में अभी जैसे 40,000 रुपये इसमें डेबिट है और स्पेस, जैसे आपको सैलरी अकाउंट, तो यहाँ पे मेरा पहले बना के रखा हुआ लेजर, आपको बनाना है लेजर सैलरी अकाउंट की और अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। सैलरी यहाँ पे जैसे हमने दिया तो आपको पहले यहाँ पे बताना होगा, जैसे मैंने बोला 5,000 रुपये सैलरी है ना। अब यहाँ पर आपको ओपन होता है कॉस्ट कैटेगरी, तो पहले आपको बताना होगा कि कहाँ पे सैलरी दिया, ब्रांच पर। अब यहाँ पे ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में दिया, तो यहाँ पे आपको स्पेस बटन दबाना है, मैंने बोला भोपाल ब्रांच में, और एक्सेप्ट कर देना है। तो जब आप वाउचर देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आ जाता है। इस तरह से आपको क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज करना होता है। एक एंट्री में और आपको यहाँ पर बता देता हूँ रिसीव्ड वाउचर में, जैसे कि पेमेंट वाउचर में आप कर ही लोगे। अब आ जाते हैं हम जैसे रिसीव्ड वाउचर में, तो रिसीव्ड वाउचर की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी F6, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कैश है ना, कैश कर रहे हैं हम कहीं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैश। तो आपको यहाँ पे कैश की लेजर करना है और क्या करना है आपको, जैसे मैंने बोल दिया मैंने सैलरी दिया या रूम रेंट, ठीक है, रूम रेंट दिया कहाँ पे, मैंने
कौन सी ब्रांच में, या मैंने बोला यहाँ पे भोपाल ब्रांच में दिया, तो यहाँ पे आपको कितना रूम रेंट दिया, मैंने बोला यहाँ पे 3,000 रुपए दिया ये, और यहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच में देना है, या मैंने बोला डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट में देखो कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया, तो आपको यदि इस तरह का आता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने जानबूझ कर को कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया, तो आपको इस तरह की दिक्कत आती है कहीं, तो आप यहीं पर कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी बटन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे कॉस्ट कॉस्ट सेंटर बनाने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चुनना है, डिपार्टमेंट चुनना है, और इसके बाद जैसे डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा हार्डवेयर, हार्डवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये आपके कंपनी के डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट, तो आपने कौन से डिपार्टमेंट का रूम रेंट दिया है, हार्डवेयर डिपार्टमेंट का 3,000 रुपये, और यहाँ पे देखो आपको एक्सेप्ट कर देना है। इस तरह से आप क्या कंपनी में कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सेनेरियो, ठीक है, कंपनी में सेनेरियो कैसे, सेनेरियो रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। धन्यवाद।